झांसी बहुरानी पर राजकुमार पर उस समय हड़कंप मच गया जब बरुआ सागर पुलिस और खनिज विभाग की टीम द्वारा एक साथ अचानक राजमार्ग पर चेकिंग अभियान चलाते हुए दो बालू से भरे वाहनों को सीज कर दिया गया। चेकिंग अभियान के दौरान दो अवैध बालू से भरे डंपरों पर प्रपत्रों के अभाव में कार्रवाई कर दी गई। खनिज टीम के प्रमुख गिरीश वर्मा हमारे संवाददाता आनंद मोदी को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ समय से अवैध बालू खनन की जानकारी मिल रही थी, जिसके तहत संबंधित उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय पुलिस का सहयोग लेते हुए अभियान चलाया गया। इसी दौरान बरुआ सागर राजमार्ग की घोघवा तिराहे पर सुबह सुबह गुजर रहे दो अवैध बालू से भरे डंपरों की चेकिंग की गई, जिन्हें प्रपत्रों के अभाव में सीज करते हुए स्थानीय थाना के सुपुर्द कर कार्रवाई की गई है। वहीं थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आज की अवैध बालू खनन अभियान के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये बालू की दो गाड़ियां पकड़े हैं जी, उसमें क्या कार्रवाई, क्या समन सुल किया, बंद किया गया, क्या किया? उसे थाने पर सुपुर्दगी दे दी है, जुर्माना देंगे अपना। कुछ और गाड़ियां जो पकड़ी गई थी उनको क्यों छोड़ा गया? वो राल्टी जो है उसको देख कर छोड़ दिया जाता है। आज जो है चल रहे खनन माफिया जो अवैध बालू लेके चलते हैं उनके विरुद्ध जो अभियान चल रहा है, उसी के तहत जो है खनन विभाग के सहयोग से दो ट्रक जो है बालू बरामद किए, जिनके पास कोई रॉयल्टी नहीं थी, उनको थाने लाके दाखिल किया गया, उनके नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। मुरुगासागर से आनंद मोदी की रिपोर्ट।